क्या हाल चाल दोस्तों, आ चुके हम नया वाला स्मार्टफोन लेके। ये है नथिंग का नया फोन 2। ये आपको लग रहा है पैकेजिंग में क्या डिजाइन है, एक्चुअल डिजाइन नहीं था, हमने खोल दिया पहले। ये एक्चुअल डब्बा है, काफी अलग सा है, बट बाकी सारी चीजें जो टेक्सचर है डब्बे के ऊपर और जो पूरी फिनिश है पूरे बॉक्स वॉक्स की, काफी प्यारी सी लग रही है। जिन्हों को पता नहीं है, नथिंग काल पे सर की कंपनी है, हम मिले भी थे, लंदन में इंटरव्यू करा था, सारी सीक्रेट हमने जान ली दूसरे टाइम पे। बेसिकली ये वन प्लस को पहले हेड करते, उसके बाद वन प्लस से निकल के उन्होंने अपना पहला फोन बनाया था, पुराना वाला फ्लिपकार्ट का 30,000 के अंदर मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन था। बट भाई फाइनल टाइम आ गया डब्बा खोलने का। आपके सामने पेश है नथिंग फोन 2। पिछली बार आपने नोटिस करो बैक ट्रांसपेरेंट थी, इस बार पूरा ही ट्रांसपेरेंट कर दिया। हाँ जोक मार रहा था मैं। पहला फोन मैंने साइड में रखा हुआ था, इसकी पैकिंग काफी प्यारी थी। ये है हमारा नथिंग फोन 2। बहुत छोटी छोटी डिटेल्स हैं, जिम इजेक्टर टूल है ये भी भाई, काफी ऐसा क्रिस्टल सा बनाया हुआ है, काफी प्यारा सा लग रहा है, ट्रांसपेरेंट सा। उसके साथ जो केबल भी है, ये अंदर की साइड से मेटल है, बाहर की साइड से प्लास्टिक है। भाई पुस्तक पुस्तक है, पढ़ाई लिखाई हमको ज्यादा करनी नहीं। ये हमारा नथिंग फोन 2 और ये दो कलर में आ रहा, ब्लैक और व्हाइट। पिछली बार पूरा ये ब्लैक कलर था, इस बार थोड़ा सा ग्रेश हो गया। मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे ये ब्लैक कलर थोड़ा ज्यादा पसंद आया। मैं देखो मैं आपको चेंजेस बताता हूँ। बेसिकली गिरगिट की तरह ये भी चमकता था, गिरगिट की तरह ये भी चमकता है, मतलब गिरगिट जुगनू की तरह। सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करो, ग्लास ना हल्का सा कर्व है, पिछली बार एकदम ही एक फ्लैट बैक थी। साइज आप देखोगे थोड़ा सा इंक्रीज करा गया, और ग्लिफ वाले इंटरफेस के अंदर यहाँ पे ऐसा ना ऐसे कट कट आपको दिख रहे, 3-4 जगह थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा लाइट्स ऐड करी गई हैं। टेक्सचर्स हैं जो कर्व्स हैं वो थोड़ा ज्यादा रिफाइंड फील हो रहे हैं, दिखने में काफी एक सिमिलर सा ही डिजाइन है। ये जो पुराना वाला था ना, इसमें पिछली बार 12 LEDs, ऐसे बड़ी लाइट के अंदर भी छोटी छोटी लाइट्स लगा रखी, इस बार 33 कर दी गई। और पहले ऐसा था कि थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता था कि गिमिक क्या, बट इस बार और भी काफी सारे फीचर्स ऐड कर। आप अगर चार्जिंग पे लगाओगे तब चीजें होती थी, रिंगटोन होता था, फिर उसका नोटिफिकेशन आपकी साउंड से, तो थोड़ी बहुत बेसिक चीजें बताती थी, बट इस बार इसी नोटिफिकेशन LED में काफी सारे फीचर्स ऐड करे गए। अगर आप वॉल्यूम ऊपर नीचे करते हो तो इस पे बार भी भाई कम ज्यादा होता है। फिर उसके साथ साथ इसका इंटीग्रेशन उबर और जोमैटो के साथ है, सॉरी Zomato। तो बेसिकली बैक साइड में पूरा से टाइमर सा दिखा था, तो आपको पता चल जाता भाई कितना टाइम लग रहा है। अब आप हर ऐप के लिए अलग नोटिफिकेशन टोन सेट कर सकते हो, तो आपको व्हाट्सएप कॉल आई अलग बज रहा हो, अगर म्यूट पे भी है तब भी आपको पता चल जाएगा कौन सी ऐप से कॉल आ रहा है या कौन सी ऐप से नोटिफिकेशन आ रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग है। बैक साइड में एक रिकॉर्डिंग LED है। एक चीज और ऐड करी है, अगर आप टॉर्च को एक बार टच करते हो तो वाली टॉर्च जल जाती है, टैप एंड होल्ड करते हो एक ग्लिफ टॉर्च। एक चीज मेरे को थोड़ी वियर्ड लगी, जब किसी बंदे को पूरी लाइट की जरूरत है, उसको चकाचौंध मचाना, तो उसको ग्लिफ और टॉर्च दोनों साथ में नहीं जलाने, तो वो आप नहीं जला सकते। दुनिया को रोशन करना इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें भाई कस्टमाइजेशन काफी सारी ऐड करी है। इसमें अगर आप आइकन्स में जाओगे तो एक आइकन पैक है, नथिंग वाला आइकन पैक अगर आप लगा दो, इसका पूरा UI मोनोक्रोम हो जाता है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। जो डिफॉल्ट ऐप्स है उनका ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, बट जो आप अलग से डाउनलोड करोगे उनका वैसे कलर्स आएगा। और वो छोटी छोटी चीजें जैसे अगर आप टैप एंड होल्ड करोगे तो आपके विजेट्स भी काफी अलग अलग स्टाइल के आते हैं। जैसे क्विक सेटिंग का विजेट है गोल गोल था, और ग्लिफ का भी एक अलग सा है, और इसका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है भाई वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसको अच्छे से साफ कर देते, सबसे बड़ी दिक्कत भाई ऑफ कोर्स ग्लास पैक में फिंगरप्रिंट्स अपने आ जाते हैं, तो उसके लिए मेरे पास रामबाण इलाज। इसको आप टेक्सचर से भर सकते हो, जो आप टेक्सचर बोलो भाई, हमारे फोन लॉन्च होने से पहले हमारी स्किन रेडी होती है, हम लगा देंगे ये वाला, इसमें तो मजा ही आ जाएगा भाई। अब नहीं आएंगे फिंगरप्रिंट, काफी सारे हमने अलग अलग डिजाइन निकाले और हमने सोचा कि अब हर दो हफ्ते पे हम अपने नए डिजाइन लॉन्च करेंगे। भाई ये देखो अपना भाई, लाइटें जलाऊ मैं, ये बंद कर दी, जला दी, वो मजा तो आता है खेलने में। ग्लिफ में काफी सारी मस्त मस्त चीजें हैं। सबसे पहली चीज 10 नई रिंगटोन नोटिफिकेशन साउंड, ऑफ कोर्स अलग अलग लाइटें भी जल रही हैं उसके साथ। अगर आप ऐसे क्लॉक में टाइमर लगा के छोड़ते हो बैक साइड पे तो टाइमर की तरह यूज कर सकते हो, यहाँ पे दिखाता रहेगा इंडिकेटर। ऑटो ब्राइटनेस में भी आपको देखेगा, फ्लिप करोगे तो भाई ग्लिफ ऑटोमेटिकली जल जाता है। टाइम का अगर आपको शेड्यूल सेट करना हो, गूगल असिस्टेंट, रिवर्स चार्जिंग, सब पे भाई लाइटें वाइटें जल रही हैं। मैं ऐसे अपनी रिंगटोन रिकॉर्ड कर सकता हूँ भाई, मैंने सेव कर दी, ब्र अब मेरा ऐसा बजेगा। ये वाली एक फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो, तो आपको पूरा एकदम अंदर का सच नहीं बता पाएंगे, बट अगर मैं आपको स्पेक्स पढ़ के दिखाऊं तो आपको अंदाजा पड़ेगा ये नथिंग फोन 1 का एक अलग ही बड़ा भाई, एक अलग सेगमेंट में आ रहा था, ये एक अलग सेगमेंट में आ रहा था। तो दिखने में दोनों काफी ज्यादा सिमिलर है, बट प्राइस पॉइंट बिल्कुल ही अलग है, 10,000 रुपए का राउंड का फर्क है। जितनी इसमें चीजें हैं, IP54 रेटिंग है, बैक साइड में ग्लास, साइड में मेटल, फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास, डुअल सिम, फ्रंट साइड में थोड़ा सा अपग्रेड है, पहले 6.55 इंचेस की स्क्रीन थी, अब 6.7 इंचेस की, फुल HD 1 से 120 हर्ट्ज LTPO पैनल है, पूरा AMOLED, एकदम
एक फ्लैट डिस्प्ले अपना, अब देख लो थोड़ा बहुत मैं इसमें अपना चला दिया भाई अपना। जो मेजर मेजर अपग्रेड है, एक छोटा अपग्रेड है डिजाइन में, परफॉर्मेंस में एक बड़ा अपग्रेड है और कैमरे में एक बड़ा अपग्रेड करने की कोशिश करी गई। क्विक क्विक मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, पूरा अच्छे से घुस के नहीं बता पाएंगे क्योंकि कंपनी के एम्बार्गो रहते हैं, वो बस लिमिट कर देते हैं इन्फॉर्मेशन क्या बता सकते हैं क्या नहीं बता सकते, बट जितनी चीजें हम आपको बता सकते हैं सब बता देते हैं। फ्रंट साइड में भी पंच होल है, सेम है, दिखने में काफी हद तक सिमिलर सी वाइब है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, ज्यादातर लोग हो सकता है नोटिस ना भी कर पाए, बट कैमरा अपग्रेड हो गया भाई, पहले से 16 मेगापिक्सल अब 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। ये कुछ फोटोज हैं हमने जो फ्रंट कैमरे से खींचे, बैक साइड में दो कैमरे ही हैं, मतलब वैसे इस प्राइस पॉइंट में 3-4 आते हैं, बट एक चीज अच्छी है, दोनों 50-50 मेगापिक्सल है, दोनों ही प्राइमरी वाला काम कर देंगे आपका, बट एक प्राइमरी है एक अल्ट्रा वाइड है। ये कुछ फोटोज हैं जो हमने प्राइमरी और अल्ट्रा वाइड से खींची है, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब इस पे जजमेंट हमारी हम फुल रिव्यू में ही दे पाएंगे, आप बताना इसके बाद फुल रिव्यू की नीड रहेगी कि नहीं रहेगी। चार्जिंग में थोड़ी सी अपग्रेड कर दी, 45 वॉट तक लेके गए हैं और बैटरी में भी भाई 4500 से 4700 mAh तक ये लेके गए। वायरलेस चार्जिंग 15 वॉट सेम, रिवर्स चार्जिंग सेम 5 वॉट, बट मैं आपको देखो एकदम सेम बताता हूँ सीधा सीधा, स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 इस प्राइस पॉइंट पे आपको इस वाले स्मार्टफोन में देखने को मिल जा रहा है और एक पूरा ही स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस दिया गया। नथिंग ने ना एक चीज बहुत अच्छी करी, वो है कि अपने आपको अलग कर दिया। अलग कैसे करा है? जो बाकी लोग नहीं कर रहे वो चीजें करके। ज्यादातर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ज्यादातर जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर हार्डवेयर में फंसे हैं, नथिंग ने सॉफ्टवेयर में काफी मेहनत करी। सारे जो डिजाइन है काफी हद तक सिमिलर, ब्लैक व्हाइट अपने चमकीले ग्लास वाले हैं, इसमें एक काफी अलग सा अटपटा सा ऐसा एक डिजाइन है और ज्यादातर लोगों को हो सकता है पसंद ना भी आए, बट ऐसा है कि शो ऑफ करने में मजा आता है। हो सकता है अगर ये स्टार्टिंग में आज से 3-4 साल पहले रिलीज हुआ तब नहीं बिकता, बट अब क्योंकि सारे स्मार्टफोन बोरिंग हो गए तो इसलिए अब लोगों को पसंद आती है सारी चीजें। और मेरे को भी एक चीज फील होती है भाई, फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के अंदर ना बड़ी बड़ी चीजें करके फायदा नहीं होता, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे फोन की स्पेसिफिकेशन बराबर है, मतलब फ्लैगशिप किलर सेम ही भाई, बट होता क्या है कि अब छोटी छोटी चीजों में फर्क आ जाता है, सिम इजेक्टर की पिन है या जो केबल है और सॉफ्टवेयर में हल्का स्मूथ चल रहा है, या फिर जैसे अगर मैं इसको खोल के देखता हूँ आपको तो क्रोम भी 120 हर्ट्ज पे चल रहा है, फिर अगर मैं यूट्यूब वाली ऐप भी चलाता हूँ ये भी 120 हर्ट्ज पे चल रहा है। तो ये छोटे छोटे जो ऑप्टिमाइजेशन है, छोटी छोटी चीजें करी है, जो कोलैबोरेशंस करी है, क्योंकि गूगल ने इन्वेस्ट करा नथिंग में पैसा, तो गूगल की ऐप से बढ़िया चलती है इसमें, पर बेसिकली ये जो सारी चीजें हैं जो पूरा एक्सपीरियंस क्रिएट करा गया वो डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग बना देता है इस वाले स्मार्टफोन को। बट एक दो चीजें मेरे को नथिंग के बारे में पता चली है, सबसे पहली चीज तो काफी स्मार्ट मार्केटिंग कंपनी सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि भाई जिसने नथिंग फोन 1 लिया वो जल्दी अपग्रेड नहीं करेगा, बट जो बंदा 40,000 रुपए का स्मार्टफोन लेने जा रहा है वो डेफिनेटली भाई इस वाले स्मार्टफोन को कंसिडर करेगा। तो एक नई मार्केट टैप इन हो गई है और साथ साथ नथिंग लगा था कि पहली बार की हर बार ही कुछ अलग सा इनोवेटिव सा डिजाइन होगा, बट ऐसा नहीं है, काफी एक सटल चेंज करा गया डिजाइन में और आगे आने वाले स्मार्टफोन्स भी इसी के थोड़े थोड़े वेरिएशन होंगे ये हमको पता चल चुका है, और इसी टाइप का एक डिजाइन लैंग्वेज आपको नथिंग के स्मार्टफोन्स में मिलेगा। काफी इंटरेस्टिंग है भाई, डिजाइन सॉफ्टवेयर में थोड़े चेंजेस करने से और छोटी छोटी चीजें करने से आप एक काफी बड़ा ब्रांड बना सकते हो अगर ऑडियंस आपको पसंद कर दे। भाई हमने भी कोशिश वही करी है कि हम भी हंसी मजाक करके अपना टेक बताते हैं आपको, भाई आपको पसंद आता तो हम और बनाते रहते हैं, बट हाँ भाई होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।